नालंदा पुलिस ने दो सड़क लुटेरों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने रविवार को नालंदा थाना में प्रेस वार्ता कर आयोजन कर इसकी जानकारी दी। राजगीर डीएसपी ने बताया कि 27 दिसंबर की शाम नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरी सराय गांव के पास नालंदा थाना क्षेत्र के कपटिया गांव निवासी विनोद कुमार को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर लौटने के दौरान बंदूक का भय दिखा 6,000 रुपए एवं मोबाइल की लूट कर ली गई थी, जिसके आधार पर नालंदा थाने में 27 दिसंबर को कांड दर्ज किया गया। उक्त घटित घटना एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नालंदा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर के नेतृत्व में त्वरित गति से अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अनुसंधान में त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया एवं घटना में शामिल दो अज्ञात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया एवं कांड में लूटी गई रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन एवं नगद 6,000 रुपए को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में नालंदा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी शैलेंद्र पासवान का पुत्र चंदन कुमार एवं नूर सराय थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी शैलेंद्र पासवान का पुत्र अभिमन्यु कुमार है। गिरफ्तार आपराधी कर्मियों के पास से लूटा गया रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन, वीवो कंपनी का एंड्रॉयड फोन एवं नगद 6,000 रुपए बरामद किया गया। न्यूज क्राइम 24 के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत पकड़ी सराय गांव के कपटिया के रहने वाले विनोद कुमार पिता अशोक गोस्वामी के साथ संध्या 6:30 बजे लूट की गई थी, जिसमें उनका मोबाइल और लगभग 6,000 रुपये उनसे लूटा गया था दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। बाद में कांड दर्ज किया गया 287/2022 नालंदा थाना में 300 रुपये लूट की घटना में, और इसके गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें दो लोगों को पहचान किया गया जिनके पास से लूटी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पहले भी आपराधिक मामला सही कहाँ पे हैं गिरफ्तार? ये दोनों लोग एक धर्मपुर ग्राम धर्मपुर थाना नूरसराय के हैं और एक व्यक्ति गोविंदपुर थाना नालंदा के रहने। पहले कभी आपराधिक मामला नहीं, इनका ये कोई भी आपराधिक मामला अभी सामने नहीं आया है, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और इस घटना में कुछ लोग शामिल हैं? नहीं, यही दो लोग शामिल हैं। गिरफ्तारी कहाँ से की? गिरफ्तारी इनके घर से गोविंदपुर से की। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।